क्योंकि जो नकल करते हैं वो भी बड़े तेज दिमाग के लोग होते हैं, बस दिमाग चलता नकारात्मक रास्ते पर है, इसलिए हर वो चीज जो असल रुद्राक्ष में है वो उकेर देते हैं। लेकिन रुद्राक्ष में एक खास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते यदि उसके इर्द गिर्द यदि चुंबक रखी जाए तो रुद्राक्ष में मूवमेंट आएगा। एक तो चीज ये खास है। दूसरी चीज, जब आप उसको लेंस से देखें और लाल वाला रुद्राक्ष मत देखेंगे, वो तो बाद में कलर के, जब उसको लेंस से देखेंगे गहरे से ऐसे करके तो उसके अंदर आपको जड़े जैसी दिखेंगी, जैसे पृथ्वी के अंदर किसी पौधे की जड़ होती है ऐसी उसके अंदर वह जड़ें आपको दिखाई देंगी। ये दो ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिनके चलते आप कह सकते हैं कि रुद्राक्ष ठीक है। इन दो दिनों में हमने बात की संस्कारों की, यह सुनने और समझने और मनन करने की, साथ ही साथ जीवन में उतारने की क्रिया भी है। यदि इन संस्कारों को अब आप दोबारा सोचेंगे तो कहेंगे कि हाँ, कितना बड़ा विज्ञान था जो हम शब्द ना समझने की वजह से इसको समझ ही नहीं।